जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो भी ग्राम पंचायत होते हैं और जो वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, तो वार्ड सदस्य का चुनाव होने के बाद एक वार्ड समिति का गठन की जाती है। तो वार्ड समिति कैसे बनाई जाती है, तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हमने दिया है और इसमें कुछ नई भी जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जो भी ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, तो जो भी ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जब संपन्न होती है, तो जिस भी मुखिया की जीत होती है या तो वार्ड सदस्य का जीत होती है, तो इन सारे लोगों को जीतने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट देने के बाद शपथ ग्रहण होता है। तो शपथ ग्रहण मुखिया के लेने के बाद जो है सो उप मुखिया का चुनाव होता है, और उप मुखिया का चुनाव होने के बाद ही वार्ड सदस्य समिति की गठन की जाती है। तो वार्ड सदस्य समिति का गठन जो भी किया जाता है, तो होता क्या है कि किसी भी ग्राम पंचायत में कोई कोई ग्राम पंचायत में 11 वार्ड रहते हैं, कोई कोई ग्राम पंचायत में 11 वार्ड से ज़्यादा वार्ड होते हैं, तो जो समिति का गठन होता है, तो इसमें टोटल 7 समिति का गठन होता है, और 7 समिति में 7 विभाग होते हैं, और एक समिति का जो भी गठन होता है दोस्तों, तो एक समिति में 3 वार्ड का जरूरत पड़ता है। तो समिति की अगर बात करें तो टोटल 7 समिति होती है, जैसे कि शिक्षा समिति, कृषि विभाग समिति, टोटल कार्य विकास से जुड़े हुए कार्य, तो टोटल 7 समितियां होती है। तो समिति जो बनती है, टोटल 7 समिति बनती है, और एक समिति के लिए 3 वार्ड का जरूरत पड़ता है। तो अगर हम लोग 7 समिति लेते हैं, तो 7 या 21 वार्ड का जरूरत पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है कि जैसे कि एक समिति के लिए 3 वार्ड का जरूरत है, तो एक समिति का जब गठन होता है तो उसमें 3 वार्ड का जरूरत पड़ता है। 3 वार्ड में जो भी, मान लीजिए कि शिक्षा समिति का गठन हुआ, तो शिक्षा समिति का गठन में 3 वार्ड रहेगा, तो 3 वार्ड में एक वार्ड को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, एक वार्ड को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, और एक वार्ड को सचिव बना दिया जाएगा। और जैसे कि शिक्षा समिति बना है, तो अपनी पंचायत में जितने भी सारे सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है ना, आंगनबाड़ी है, तो टोटल शिक्षा विभाग को देखेंगे कि सही तरीके से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, बच्चों को सही मतलब तरीके से शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं, सरकारी स्कूल में भोजन का प्रबंध सही से हो रहा है कि नहीं, मतलब कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ टोटल चीज़ ये समितियाँ देखेगी। दूसरा जो समिति बनेगी, तो इसी तरीके से कृषि विभाग का समिति बनेगा, और अपना मतलब क्षेत्र में जो भी विकास के अलग अलग कार्य के समिति बनेंगे, तो उसमें अलग अलग 3-3 वार्ड बनेंगे। अब 3-3 ठो वार्ड, उतना सारा वार्ड आएंगे कहाँ से? तो होता क्या है कि जो भी शिक्षा समिति के जो भी 3 वार्ड बने हैं, तो इसी 3 वार्ड में से दूसरे समिति में भी शामिल कर लिया जाता है। मान लीजिए कि दूसरे समिति में कृषि विभाग से जुड़े समिति बने हैं, किसान कल्याण के लिए बने हैं, तो उसमें 3 वार्ड हैं, तो इसमें हुआ क्या कि जो शिक्षा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव थे, तो इसी सचिव को ये किसान कल्याण वाला में जो है उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी में अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यानी कि टोटल किसी भी पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 15 वार्ड के अंदर ही वार्ड रहते हैं, 10 वार्ड, 11 वार्ड, 9 वार्ड, इस तरीके से वार्ड रहते हैं। तो टोटल 7 समितियाँ बनानी है, तो एक समिति में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव बनते हैं, तो इसी 3 लोगों में से दूसरे दूसरे समिति में भी भागीदारी करते हैं। और इस समिति में जैसे सचिव हैं, तो किसी में उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, किसी में अध्यक्ष बना गया, तो इसी तरह करके 7 समितियां पूरी संपन्न होती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी। तो इससे इसमें जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें थी, तो मेरा मेन मकसद था कि पंचायत वार्ड सदस्य का समिति का गठन कैसे होता है, तो मुख्य रूप से हमने इसी पॉइंट पर बात करना था। इसीलिए हम आपको अलग अलग जानकारी और नहीं दिए, ताकि वीडियो भी लेट ना हो और आपको एक सटीक जानकारी मिल सके। तो फिर से आपको मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।